आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी नहीं हुई है अभी। बच्चे कितने? जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? Oh, no. पागल आदमी हो क्या, इतना भी नहीं समझते? चलो भागो यहाँ से। इसे घर क्यों बोलते हो, जिला घोषित कर दो। हाँ जी बोलो, क्या बात है? आपके बच्चे हैं? हाँ जी मैं। आपकी शादी हो गई है? क्या पागल आदमी है, बच्चे कहाँ से हो गए जब शादी नहीं हुई तो? टाइम पास करने चले आते, भागो यहाँ से। सभी कर्मचारी ध्यान दें, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका अभी तक हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, तो उसके लिए हमें जनगणना कराई जानी है। तो सभी अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने क्षेत्र में, हर घर में जाके आपको एक एक आदमी की जनगणना करनी है, किस घर में कितने सदस्य हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, सबका डाटा कलेक्ट करके एक हफ्ते के भीतर जमा कराना है। तो कल से सभी लोग जनगणना पर जुट जाइए, अपना अपना काम जल्दी करके और मुझे रिपोर्ट जमा करें। साहब जी, जनगणना का उत्तेज आदमी और जनाने के लिए यात्रा वही होते हैं। अरे तुम्हें जनगणना का मतलब नहीं पता? अरे oh, no. यार तुम्हें किसने अधिकारी बना दिया? जनगणना का मतलब होता है आदमियों की गिनती, जनता की गिनती, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उन सब की गिनती करके लाना है और रिपोर्ट बना के मुझे मंडे तक जमा कर दो, ठीक है? आपकी शादी हो गई है? क्या पागल आदमी है, ये बच्चे कहाँ से हो गए जब शादी नहीं हुई तो? ये टाइम पास करने चले आते, भागो यहाँ से। हाँ जी, आप ही हो घर पे? हाँ जी बोलिए। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी नहीं हुई है। बच्चे कितने? Oh, no. जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? पागल आदमी हो क्या, इतना भी नहीं समझते? चलो भागो यहाँ से। अरे यार जिस घर में जा रहा हूँ वही ताला लटका हुआ है यार, आज तो ताला फिर दिख रहा है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैं जनगणना के लिए आया हूँ, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 52। 52 सदस्य हैं? बच्चे कितने हैं इसमें? 40 बालक हैं। कितने बच्चे? मैंने पूरे परिवार को बताया, हम सब शामिल रहते हैं। शामिल रहते हैं? इसे घर क्यों बोलते हो, जिला घोषित कर दो। नो नो नो। हाँ जी, क्या बात है? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जनगणना के लिए आया हूँ, मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए। अभी समय ना, बाद में ही हो। समय नहीं है, मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे 5 मिनट चाहिए, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बाद में ही हो, अब कोई है ना यहाँ पे? Oh, no. तू है तो, तेरे घर में कितने सदस्य हैं तू ही बता दे। वो ना बताओ कितने सदस्य हैं, बाद में ही हो तुम। अरे क्या आदमी है, तो ये नहीं पता है तेरे घर में कितने सदस्य हैं? नो 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 नो। तू तो कह रहा था कोई नहीं है, ये कौन है? वो रिश्तेदार आ गए, उनके लिए कुर्सी लेके गए। अरे यार क्या नाटक कर रहा है, अभी कह रहा घर में कोई नहीं है, अभी कुर्सी लेके गए वो। ऐसा तो नहीं कि चोर वोर तो नहीं हो तो? नहीं चोर वोर नहीं है, मैं मेरे को कुछ काम करना है, बाद में आना तुम। यार जो करना है वो बाद में कर लेना, बस मुझे ये बता दे तेरे घर में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। क्या यार कोई है नहीं है घर पे, शाम को आना तुम, मुझे अपना काम करना है।
अरे यार ये क्या माजरा है, अब यार वो पहले कुर्सी लेके गया फिर पंखा लेके गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चोर वोर तो नहीं हो यार तुम। अरे यार बताई तो है, घर पे रिश्तेदार आ गए, वहाँ पंखा लेके गया है वो, हम चोर मोर लग रहे थे। देखो ये हो क्या रहा है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तू अपने आप को क्या समझता है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो ये नहीं पता है इस घर में कितने पुरुष हैं कितनी महिला है। अरे यार मेरे दिमाग खराब खाओ मत तुम, या तो सुबह ही हो या शाम को। रुको जरा, सब्र करो, मुझे तो लगता है पक्का तुम चोरी हो, इस घर के सदस्य तो है नहीं तुम। हाँ तो जल्दी जल्दी पूछो, मुझे टाइम ना, जल्दी जल्दी पूछो, क्या पूछूंगा। तो बताओ घर के मुखिया का क्या नाम है। देखो मुखिया का नाम जुगनू पांडे। जुगनू पांडे तो मेरा नाम है, मुखिया का नाम बता। इनका नाम भी जुगनू पांडे ही है। कितने सदस्य हैं घर में। चार। अरे यार तू आदमी है या टमाटर है, चार लोग गिनने में तुमने इतने टाइम लगा दिया। बता जल्दी इसमें महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं। ओह नो, मोना बताओ कितने आदमी कितनी महिला है। तुम शाम को यहीं ऐसा करो। शाम को क्या मैं बार बार यहीं आता रहूंगा, बता नहीं सकता है। ऐसा करो तुम तो जो और गंदगी कर लाओ, यहाँ बाद को ही हो शाम में। अरे यार मैं सारे घर की कर लाया, बस लास्ट तेरा ही घर बचा है। एक काम करो, भीतर दादा लेटे हैं, उनसे जाके पूछ लो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। पता नहीं यार आज क्या दिन है, सर्वे भी नहीं हो पा रहा है, पूरा दिन खराब कर दिया यार। जहाँ कहीं भी जाता हूँ कोई ना कोई लफड़ा ही पड़ जाता है। सुबह से एक भी घर की सर्वे नहीं कर पाया, सोमवार तक रिपोर्ट जमा करनी है। चलो देखता हूँ, ये तो नालायक था, दादा से पूछता हूँ। दादा 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 दादा, कोई आवाज नहीं दे रहा है, गेट खुला है, देखता हूँ अंदर। अरे दादा क्या बंदे पड़े। राम राम जी। दोस्तों इसे कहते हैं गलती से मिस्टेक। हमारे जुगनू पांडे जनगणना करने गए और इनकी पिटाई हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना, इसे अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।